हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हमने स्ट्रिंग में तीन टॉपिक्स किए। फर्स्ट टॉपिक जो किया था डेट वॉज स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। देन हमने किया था स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल या फिर स्ट्रिंग लिटरल पूल, और उसके अंदर मैंने बताया था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर किस टाइप से मेमोरी एलोकेट करते हैं। ओके, एंड देन थर्ड टॉपिक हमने किया था स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल क्यों होते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग फोर्थ टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज व्हाई स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल। स्ट्रिंग क्लास फाइनल क्यों बनाई जाती है, और मैं एक चीज और बताऊंगा कि फाइनल एंड इम्यूटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों में कंफ्यूजन थोड़ी बहुत रहती है स्टूडेंट्स को। ओके, तो आज हम लोग ये दो टॉपिक्स करेंगे। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो फाइनल होता क्या है, याद है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फाइनल इज द कीवर्ड। फाइनल एक कीवर्ड होता है जो क्लास मेथड एंड वेरिएबल के साथ यूज होता है। कैसे, मैं इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। देखो, अगर मैंने यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दी, फॉर एग्जाम्पल क्लास एबीसी, ओके, और इसके बाद मैंने यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर दी है, डेट इज टेस्ट के नेम से। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, दो क्लासेस आ गई हैं। ओके, अब यहां पर मैं एक्सटेंड से भी सी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक्सटेंड्स ए बी सी, इस वाली क्लास को मैं इनहेरिट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट ना कर सके, मेरी क्लास के प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अपनी क्लास को फाइनल क्लास क्रिएट कर देता हूं। तो फाइनल क्लास की वजह से क्या होगा, यहां पर मैं एक्सटेंड्स ए बी सी नहीं लिख सकता। क्लियर है पॉइंट? तो फाइनल क्लास बनाने से क्या होगा, वो वाली क्लास एक्सटेंड नहीं होगी, कोई भी दूसरी क्लास उस क्लास को, फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। क्लियर है पॉइंट? देन मेथड, अगर फाइनल मेथड में क्रिएट करता हूं तो क्या होगा। देखो, यहां पर अगर सिंपल क्लास है ये मेरे पास, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेट इज एक्सटेंड्स एबीसी, तो मैं यहां पर एक्सटेंड्स एबीसी लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर कोई मेथड क्रिएट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट कर दिया void show, show नेम का मैंने यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया, और सेम नेम का अगर मैं यहां पर मेथड क्रिएट कर देता हूं डेट इज void show, तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, मेथड ओवर राइडिंग का। याद है मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है, अगर मैं सेम नेम के मेथड्स क्रिएट कर देता हूं विद इन डिफरेंट क्लास हैविंग सेम पैरामीटर्स, इन दोनों में सेम पैरामीटर्स हैं, एंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वो क्या हो जाता है, मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है पॉइंट? एंड मेथड ओवरराइडिंग की वजह से मैं क्या कर सकता हूं, पेरेंट क्लास के मेथड के डेफिनेशन चेंज कर सकता हूं। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं फाइनल मेथड क्रिएट कर देता हूं तो उससे क्या होगा, अगर मैं फाइनल मेथड क्रिएट कर देता हूं तो याद रखना मैं मेथड ओवरराइड नहीं कर सकता, मैं सेम नेम का मेथड यहां पर क्रिएट नहीं कर सकता, मैं मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? तो ये होता है फाइनल मेथड का यूज, के फाइनल मेथड को मैं ओवरराइड नहीं कर सकता। ओके, एंड देन थर्ड थिंग, अगर मैं फाइनल वेरिएबल क्रिएट करता हूं, अगर मैं यहां पर क्रिएट करता हूं फॉर एग्जांपल फाइनल इंट ए इक्वल्स टू 10, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को फिक्स कर देगा, ए की वैल्यू अब 10 ही रहेगी, हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं चेंज करने की ट्राई भी करता हूं फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू ए प्लस 20, तो ये क्या काम करेगा, एरर शो करवा देगा, दिस इज एरर। ओके, तो मैं फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? तो ये तो थे फाइनल क्लास मेथड एंड वेरिएबल। ओके, बट अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रिंग क्लास को हमने फाइनल क्यों बनाया है। जैसे अगर ये क्लास स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्लास मेरे पास स्ट्रिंग क्लास है,
तो स्ट्रिंग क्लास को इन्होंने फाइनल क्लास क्यों बनाया है? तो यहां पर स्ट्रिंग क्लास इन्होंने फाइनल क्यों बनाई है, उससे पहले आप लोगों को स्ट्रिंग क्लास की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, स्ट्रिंग क्लास के फीचर्स पता होने चाहिए, जो आप यहां पर देख सकते हो। देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, याद है पिछले टॉपिक में मैंने करवाया था कि स्ट्रिंग लिटरल्स वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ही मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। देन ई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, अगर हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो वो ई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। देन प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग, मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉनकैट कर सकता हूँ। देन सिक्योरिटी, अगर आप नेटवर्क कनेक्शन या फिर डेटाबेस कनेक्शन यूआरएल या फिर यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करवाना चाहते हो तो वो हम लोग किसके थ्रू स्टोर करवाते हैं, स्ट्रिंग के थ्रू। या फिर अगर आप उनको कहीं पर पास करवाना चाहते हो, नेटवर्क पर उनको ट्रांसफर करना चाहते हो तो किसके थ्रू करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं और कोई भी हैकर उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। देन क्लास लोडिंग, क्लास लोडिंग के टाइम पर भी स्ट्रिंग ही एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है ताकि कोई गलत क्लास लोड ना हो जाए। देन सिंक्रोनाइजेशन एंड कंकरेंसी, स्ट्रिंग थ्रेड सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल एंड सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज जो भी अकर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ओके। एंड देन मेमोरी मैनेजमेंट, तो याद है मैंने बताया था अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है, उनके लिटरल सेम है, तो वो सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते, तो इस टाइप से मेमोरी मैनेजमेंट अचीव हो जाती है, ओके? तो देख रहे हो आप लोग स्ट्रिंग के कितने इंपॉर्टेंस है, स्ट्रिंग के कितने फीचर्स हैं जो स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये चीज सोचोगे यार अगर स्ट्रिंग क्लास फाइनल नहीं बनाई जाती, जैसे यहां पर है, अगर मैं फाइनल नहीं बनाऊंगा तो कोई भी क्लास उसको एक्सटेंड कर लेगा और उसकी प्रॉपर्टीज को यहां पर मॉडिफाई कर सकता है, बट जावा कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा पर्सन या डेवलपर स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे और उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करे, और इसकी वजह से स्ट्रिंग क्लास इन्होंने क्या बना दी, फाइनल। तो व्हाई स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल, स्ट्रिंग क्लास फाइनल होने की वजह से कोई भी दूसरी क्लास स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकता और इसकी वजह से कोई भी पर्सन स्ट्रिंग क्लास के फीचर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? तो इसकी वजह से स्ट्रिंग क्लास फाइनल बनाई जाती। अब हम लोग चलते हैं फाइनल एंड इम्यूटेबिलिटी पर। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर करवा देता हूं, फाइनल एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड इम्यूटेबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। फाइनल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसके साथ आता है, क्लास मेथड एंड वेरिएबल, बट जो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है वो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। क्लियर है पॉइंट? तो फाइनल के केस में जैसे मैं यहां पर फाइनल इंट ए इक्वल्स टू 10 लिख दिया और मैं अगर ए की वैल्यू को किसी और के साथ असाइन कर रहा हूं, रीअसाइन कर रहा हूं, तो वो चीज क्या करेगा, एरर शो करवा देगा, ओके। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रिंग बफर का, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बफर क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग बफर SB। तो अगर मैं इस रेफरेंस को यहां पर फाइनल क्रिएट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस फाइनल वेरिएबल, ओके। तो यहां पर आप देखो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया और यहां पर मैंने लिख दिया डेट इज दीपक, ओके। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दीपक। एंड SB जो है वो क्या करेगा, इसको रेफर करेगा। बट अगर मैं यहां पर SB को फाइनल बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या कर दिया, SB को फाइनल बना दिया, तो अब की बात ये सिर्फ इसी को ही रेफर करेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल मैं इसका चेंज नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं यहां पर अब लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल SB इक्वल्स टू SB डॉट अपेंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया जावा, तो ये चीज क्या करेगा, एरर शो करवा देगा। ये क्या करेगा,
एरर शो करवा देगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको रीअसाइन नहीं कर सकता। फाइनल रेफरेंस वेरिएबल से क्या होगा, मैं इसको रीअसाइन नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? बट इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही चेंज नहीं कर सकता। बट क्या मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता? कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर सिंपल, अगर मैं इसकी जगह पर यह चीज लिख देता हूं, डेट इज sb.append java, सिंपल मैंने ये चीज लिख दिया, मैंने इसको रीअसाइन नहीं किया, डेट इज sb=, मैंने नहीं लिखा। तो ये क्या काम करेगा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये चेंज करके क्या कर देगा, दीपक जावा ये प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर आप देख रहे हो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था, ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, बट फाइनल लगाने से क्या होगा, मैं उसको रीअसाइन नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फाइनल एंड इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। फाइनल की वजह से मैं उस रेफरेंस फाइनल वेरिएबल को मैं रीअसाइन नहीं कर सकता, बट इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो जिसको असाइन कर रहा है मैं उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। बट यहां पर देख रहे हो मैं उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, अगर फाइनल रेफरेंस वेरिएबल है मैं फिर भी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकता हूं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना है, फाइनल का एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड इम्यूटेबिलिटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है। फाइनल रेफरेंस वेरिएबल अगर मैं बना देता हूं या फिर फाइनल वेरिएबल अगर मैं बना देता हूं तो मैं उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकता। बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता। बट यहां पर फाइनल रेफरेंस वेरिएबल बनाने के बाद भी मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। That means के string buffer class जो है वो immutable class नहीं है। Okay? तो immutability concept एक अलग चीज है and final एक अलग चीज है। And immutability concept वो string class objects के लिए बनाया गया है। Okay? तो आई होप यहां पर आप लोगों के दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, वाई स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल, स्ट्रिंग क्लास को फाइनल क्यों बनाया गया है, एंड फाइनल एंड इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। फाइनल सिर्फ वेरिएबल्स या फिर रेफरेंस फाइनल वेरिएबल्स के साथ यूज होता है, एंड इम्यूटेबिलिटी वो ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया। ओके, सो आई होप आज आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।